थैंक यू दिल्ली घुमाने के लिए। लो जी मुबारक हो, अपनी न्यू कार बुक हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और दिन की शुरुआत ना सुबह के 10:30 हो रही है। सुबह सुबह इनका फोन आया कि हम जा रहे हैं नेपाल। मैंने कहा ये कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया हमारा जो काम था ना जिसके लिए आए थे, ये अभी जा रहे हैं एम्बेसी और वहां से काम हो जाएगा तो सीधा ये निकल जाएंगे वहां से एयरपोर्ट और फिर अपने नेपाल। तो मैंने कहा लास्ट टाइम मिल लेते हैं चलो, और मैं छोड़ भी दूंगा इनको एम्बेसी, तो इसलिए हम आ गए है ना। अब लास्ट टाइम हम इनसे मिलके इनको छोड़ के बाय बाय, फिर हम नेपाल आएंगे। ठीक है ठीक है, आपको बाय बाय। हाल ही में बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, सभी जाना यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजिएगा, धन्यवाद। अब नेपाल में जिसको समझ आया ना तो सब्सक्राइब कर देना, हिंदी में मैं बोल देता हूँ। अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। फिलहाल सुबह सुबह हम निकल गए हैं और सुबह देखो रोड बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमारा ये दोस्त इसलिए नहीं मिल रहा, हमारे साथ ये दोस्त है ना। बाकी ये बताओ कैसा लगा इंडिया? बहुत अच्छा था, सच सच बताना है। अच्छा था, गर्मी भी गर्मी है। क्यों नेपाल में गर्मी नहीं होता? गर्मी होता है अब तो उधर, तो तुम जैकेट पहनो तो गर्मी लगेगी। ठीक ठाक है, उधर तो ठंडी है, अभी ठंडी है उधर। अच्छा नेपाल में, तुम काठमांडू से हो ना? काठमांडू में है, इसलिए मैं इसको आइसक्रीम खिला रहा हूँ इसको गर्मी ना लगे। नेपाल ज्यादा अच्छा है या इंडिया ज्यादा अच्छा है? नेपाली अच्छा लगेगा तुम्हें? नेपाली, नेपाल हमारे लिए इंडिया अच्छा है, सबके लिए अपनी अपना देश अच्छा होता है। लेकिन मैं नेपाल गया हूँ ना, वहाँ के रोड अच्छे नहीं है, नेहरो भी है और टूटे रहते हैं, लेकिन यहाँ का रोड अच्छा है। वैसे मुझे नेपाल अच्छा लगता है, लेकिन अपना देश तो अपना ही होता है। और इनका पासपोर्ट देखो कैसा रहता है, ये ना हमारा ब्लू कलर का रहता है, जो तुम्हारा ये ब्राउन है ना, ये भी सेम ऐसा ही है, कवर है ये ऊपर, नहीं ये भी ग्रीन है, ग्रीन अंदर से ग्रीन है। तो दो कलर का आता है, अच्छा पहले ब्लू कलर का आता था, निकालना अंदर से, पहले ग्रीन आता था ब्लू। हाँ। कह रहा हूँ ग्रीन तो पाकिस्तान का भी ग्रीन है, हमारा ब्लू है, ग्रीन से अब ब्राउन हो गया। हाँ। चलिए बाय, अच्छा लगा मिलकर। पक्का? हाँ। कच्चा मिस करेंगे नेपाल में। अच्छा देखो नेपाल के लिए ना मुझे 1-2 महीने में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 महीने बाद तो ये नेपाल से चले जाएंगे यूरोप। अगर मुझे इनसे मिलने जाना नेपाल, जाना नेपाल अच्छे से घूमना, क्योंकि जहाँ के लोकल हो वो अच्छे से घुमा सकते हैं, जैसे हम आपको घुमा सकते हैं। तो हम जाएंगे यूरोप, ये परमानेंट शिफ्ट होने की सोच रहे हैं यूरोप। तो जो 2 महीने तो हो ना अभी नेपाल, कोशिश करेंगे उसमें आ जाए, बस मौसम ठीक रहेगा। चलो फाइनल बाय बाय, थैंक यू दिल्ली घुमाने के लिए। आपने बहुत जगह घुमाए, पर हमें आपसे सुंदर लड़का यहाँ कोई नहीं दिखा। तुम फिर घूमे नहीं? क्या फिर तुम ठीक से नहीं देखा? नहीं देखा। बहुत अच्छा अच्छा लड़का है, मैं तो बूढ़ा हो गया ना। नहीं अभी अभी जवान ही हूं। आपको भी कुछ बोलना है? बहुत टाइम बाद मैं सुबह के टाइम आया हूँ, कितना खाली खाली लग रहा। सीपी चले जी, उनको छोड़ दिया मैंने सीपी, क्योंकि वो कह रहे थे कोई उनका एजेंट या कोई सीपी आने वाला है, उसके साथ हम एम्बेसी जाएंगे। तो मैं अब घर जा रहा हूँ, और घर के बाद का प्लान ये है कि आज जाऊंगा मैं वरना देखने, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट्स आया कि वरना भी एक बार देख लो, आपको नई कार चाहिए तो एक बार उसको भी देखते और पसंद आई तो बुक कर देंगे। बढ़िया, कब चलना है बाइक के लिए? बाइक के लिए कब चलना है? कल चल लो। ठीक है भाई, वेला 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 ज्ञान। क्यों गुस्सा हो रहे थे? अरे 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 अरे, ये कौन से नशे की हो भाई? अरे ये देखो गुस्सा होके दिखाएगा ज्ञान, हमसे गुस्सा हो गया और हंस रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो, ज्ञान को ये लग गई, ये लग गई। चलो मारो इसको, मारो। हाँ वेरी गुड। पहला ज्ञान कहाँ है? अरे अभी तो यही था। अरे मिल गया मिल गया। चलिए जी, खाना पीना हो गया और आप चलते हैं हम न्यू कार देखने के लिए, और हो सका बुक करा लेंगे। लेकिन अच्छे काम पे जाने से पहले ना कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा खा लेते हैं। खाओगे पापा चॉकलेट? ओके पापा, मुझे ढूंढो। ढूंढ ही रहा हूँ इसे मैं सुबह से। चॉकलेट आ गई, चॉकलेट यान को ढूंढो। इस चॉकलेट के साथ बहुत खतरनाक एक सीन है मेरा, पता है? ये चॉकलेट बताओ कितने की होगी? तेरे को नहीं दे रहा? देखो गुस्सा हो गया, जैसी से ना दोनों ही गुस्सा हो जाता आजकल। ये कनाडा से आई थी और मैंने सोचा कितने की होगी, 200, 300, 400, 600, 800, मैंने बहुत सारी मंगा ली। पड़ेगी। फिर मैं गूगल पे भी सर्च करा, आप भी सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना इस नाम से। अंदाजा तो बताओ कितने की होगी? ज्यादा 20-25 रुपए, 30 रुपए होगी,
ये एक चॉकलेट 2300 रुपए की है ये इतनी और बहुत सारी मंगा ली सोचो सबके डॉलर में पैसे देने पड़ गए। व्यान चॉकलेट खा लो आ जाओ पहला उड़ जाएगी अंदर आ जा उड़ जाएगी। भाई साहब मौसम देखो कितना प्यारा कितना अच्छा हो गया बस बारिश होने वाली है पूरा मौसम देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू भी हो गई है लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है बहुत ही तेज। और हमारी बेला कितनी अच्छी लग रही है इसके बाल उड़ रहे हैं हवा में। 5 मिनट में देखो भाई साहब कितना अंधेरा हो गया है और बारिश ही बारिश बहुत तेज बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा हो गया दिन के 3 बज रहे हैं। देखो मैं ऊपर आया था कार की चाबी लेने के कार पे चलते हैं और यहाँ से ना मेरे घर से मतलब 400-500 मीटर आगे कार खड़ी हुई है और अब मौसम देख ही लो आप कैसा हो गया है। ऐसे मौसम में कार तक जाऊंगा कैसे मतलब 500 मीटर में मैं भीग जाऊंगा ऐसी बारिश हो रही है। और ये कैमरे में ना पता चल रहा हो पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरे में आपको लेकिन ये बारिश बड़ी तेज है कैसे दिखाए देखो इससे पता चलेगा। और वैसे चाबी के साथ साथ ना मैं चेकबुक भी लेने आया था कि चेकबुक लेकर चलता हूँ अगर पसंद आई बुक कर दूंगा लेकिन यहाँ तो मौसम ने साथ नहीं दिया हमारा। लग रहा भगवान भी खुश है कि भाई जा देखने जा रहा है तो लेकर भी आया नहीं। मौसम ना सच में एक नंबर हो गया है। मैं ऐसे मौसम में ना मतलब ये समझ लो ऐसा मन करता कहीं हिल स्टेशन पे कहीं निकल जाऊं लॉन्ग ड्राइव पर। भाई साहब गाड़ी के अंदर देख रहे हो आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी मैं जाऊं कैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लो जी हाथ से ही साफ करना पड़ा शीशा इतना ज्यादा गंदा हो रहा था दिख नहीं रहा था और ये भी काम नहीं कर रहा कुछ भी ये समझ लो। लेकिन चलो अब धीरे धीरे चलते हैं। कार देखने की ना अंदर से चुल इतनी ज्यादा हो रही थी कि बारिश में पेड़ों के नीचे नीचे से हल्का फुल्का भीगते हुए मैं आ ही गया। और एक चीज और बता दूं यार अपना दूसरा चैनल लकी वेसल व्लॉग्स के नाम से जाकर उस पर देख लेना वीडियो डालनी चालू कर दी है उस पर और नीचे भी लिंक मिल जाएगा एक बार जरूर देखना जिन्होंने देखी और कमेंट्स जरूर करना वहां जाकर। अब चलते हैं वरना और थोड़ी सी बारिश होती है ना दिल्ली का हाल देख लो कैसा हो जाता है साइकिल के टायर देखो पता चल जाएगा। देखो इधर कर दी हमने अपनी थार खड़ी और पीछे देखोगे ना वहाँ पे डिलीवरी हो रही है और कैसे हो के बारिश में इस तरह डिलीवरी लेने पड़े। बाकी हमारे सामने है ये वरना न्यू वाली अच्छी तो लग रही है लोग बाकी थोड़ी डिटेल्स भी इसकी जान लेते हैं। मैं ये देखना चाह रहा था कैसी फोटोज़ में है ऐसी रियल लाइफ में है या नहीं अच्छी तो लग रही है यार काफ़ी वैसे। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो लेंथ है ना अब तक की सबसे बड़ी है मतलब वरना भी नहीं जितनी भी सेडान आती है उसमें सबसे लंबी है ये और बूट स्पेस सबसे ज़्यादा है। हाँ जी क्या हाल है अच्छी बढ़िया गाड़ी है स्टार्टिंग हो जाती है 12,63,000 12,63,000 एक्स शोरूम नहीं नहीं ऑन रोड और टॉप मॉडल जाता है जी इसका 18,66,000 का 18,66 तक ऑन रोड ये अपने यहाँ खड़ा है SXO IBT टाइटन ग्रे कलर टॉप मॉडल टर्बो नहीं नहीं नॉर्मल IBT है MPI कहते हैं जो टर्बो जाता है टॉप टर्बो जाता है 20 लाख रुपए टॉप 20 लाख। थोड़ा फीचर्स बताओ इसके फीचर्स की औरों से क्या अलग है और सीडान से एक तो लॉन्ग व्हील बेस मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि वरना की हमेशा कम ही रहती है लेकिन लगेगी नहीं पहले से ज्यादा कर दी है। ठीक है जी अंदर की बात करूं तो 64 कलर्स एम्बिएंट लाइट मिलती है यहां तक कि डोर पे भी आ जाती है। बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं सेडान गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं हीटेड नहीं आती ये पहली बार आई है हीटेड भी है वेंटिलेटेड और गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी फीचर है एडास आ गया तो अपने पास है वायरलेस चार्जर मिल जाता है टच पैनल में AC कंट्रोल प्लस म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं ओनली वन टच करना है ठीक है जी। पीछे की बात करूं रेयर AC आ जाता है 4 पावर विंडोज गाड़ी में आनी है लेदर की अपॉलिस्ट्री आ जाती है विद कप होल्डर्स के साथ। ये बड़ी बात जो इस गाड़ी की है वो है बूट स्पेस है गाड़ी का 528 लीटर। भाई साहब दो बंदे आ जाए इसमें चार आ जाएंगे। डिजाइन बड़ा अच्छा है यार इसका वीडियो में इतना नहीं पता चलता लेकिन लाइव देखो ना कर्व देखो इससे लुक बिल्कुल ही चेंज और मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ देखना ये छोटी वाली लाइट चल रही है बहुत प्यारी लग रही है। गाड़ी का मीटर आ जाता है क्रूज कंट्रोल एडैस यहाँ आ जाता है ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मतलब स्पोर्ट्स लुक दे कूल है। यहाँ से एक वन प्रेस करोगे ना मीटर का कलर भी चेंज हो जाएगा ये देखो SX में ही छोटा मिल जाता है लोगों को पसंद आ रही है SXO बिकॉज SX में 2 इंच कम है 2 इंच कम है हाँ। लेकिन दे रहा है मतलब स्टूडियो है उसमें भी बेस मॉडल में भी है बेस मॉडल EX में नहीं आता अच्छा EX में नहीं आता SX में आता है EX में स्पेस है लगवा सकते हो आप स्पेस है अच्छा मीटर में भी स्पेस है बट वो एनालॉग आ जाएगा अच्छा डिजिटल नहीं है तो सनरूफ अपनी ओपन हो जाती है सनरूफ तो वैसे ठीक है लेकिन इतने में बच्चे भी नहीं निकल पाते नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर आपका RDE इंजन जो आ रहा है गाड़ी के अंदर रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन है इसका मतलब जो फेस टू नॉर्म्स के हिसाब से आया जैसे रेड लाइट एक अप्रैल से नॉर्म आ रही है अगर रेड लाइट पे अगर कार जाती है तो जैसे आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चला ली रेड लाइट पे आप जाओगे गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जैसे ही आप रेस देंगे गाड़ी अपने आप ऑन हो जाएगी। जो कहते थे कि वरना एवरेज नहीं देती अब वरना जो एवरेज देगी ऑन रोड जो कस्टमर हमें बता के गया है
एवरेज गाड़ी दे रही है 15 से 16 की, और हाईवे पे अगर लेके जाते हो तो 20 आती है पेट्रोल में, डीजल में पेट्रोल में है, बट टर्बो आ गया, डीजल तभी बंद कर दिया बिकॉज डीजल में पावर ज्यादा रहती है, पेट्रोल में थोड़ी पावर की शॉर्टेज थी तो टर्बो में टर्बो प्रोड्यूस कर दी। टर्बो वेरियंट में इंटीरियर पूरा ब्लैक हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। और अगर मैं एमपी, लेकिन अच्छा तो मेरे हिसाब से व्हाइट लगेगा, ये व्हाइट और ब्लैक में लगेगी बिकॉज व्हाइट एंड ब्लैक का कंट्रास्ट जो है वो खुली खुली लगती है, जो अभी है खुली खुली लगती है, और हमारे लिए अच्छा है, हो सका तो हमें कार थोड़ा जल्दी मिल जाए क्योंकि पाजी अपने सब्सक्राइबर है। ये टच है सारा पैनल। अच्छा कंट्रोल एसी के भी है, अगर ये मैं एक और बार प्रेस कर दूंगा एसी बन गया, ये एसी बन दोनों के यहीं से हो। यहाँ पर आपके सीट्स के कंट्रोल्स आ गए। ये सबसे अच्छा है कि हीटेड सीट, और जो हीटेड तो चलो दो तीन महीने है लेकिन सीट वो तो चाहिए ही चाहिए। तो रहेगी सर, लेदर सीट में हालत खराब हो जाती है, पूरा बंदा आगे से ठीक रहता है पीछे से पसीने पसीने उतरता है। रिस्पॉन्स कैसा है इसका? सुपर सर, सुपर। अच्छा हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है जो मतलब आ रहा है बुक करके जा रहा है, सबको पसंद आ रही है, तो चलो हमारी भी कर दो फिर। चलो आओ सर। वेटिंग पीरियड कितना रहेगा, कब तक है चांस मिलने के? सर जो वेटिंग पीरियड आ रहा है वो आ रहा है आपका 12 से 16 हाफ वीक्स का। उतने में सारा मूड चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, मूड चेंज होने नहीं देंगे ना, पहले दे देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी सर, आपका ये डॉकेट है जो आपने गाड़ी बुक कराई है, ये आपकी पेमेंट रिसिप्ट हो गई। ये मत दिखाओ ठीक है जी, ये पेमेंट रिसिप्ट है एंड कांग्रेचुलेशन। जैसे आपकी कार आती है तो आपको मैं कॉल कर देना, कोशिश जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी करा दी। थैंक यू। लो जी मुबारक हो, अपनी न्यू कार बुक हो चुकी है, अब जल्दी इसकी डिलीवरी लेंगे। तो फाइनली जी अपनी कार बुक हो गई है। इसको वो वाली कार मत समझना जो हैचबैक मुझे एक छोटी लेनी है, वो अलग है, वो तो लेनी है। ये वो वाली कार है जो मैंने बोला था ना कि 3-4 छोटी छोटी कार ले लूं, तो अभी इसलिए बुक करा दिया। थोड़ा टाइम भी लगेगा मिलने में, लेकिन हाँ टाइम से नहीं मिली ना ज्यादा वेटिंग, तो फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। तो जब और थोड़ी सी मतलब इतनी सी अब भी मेरे को कंफ्यूजन है कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप भी कमेंट्स में बताना। बुक तो करा दिया इसलिए कि 3-4 महीने आ रहा आजकल ना सब कार में लगते ही हैं। देखो मैंने स्कॉर्पियो कब की बुक कराई हुई, अब तक नहीं। या मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दो ऑप्शन है, एक लग्जरी कार और एक ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कार, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा वो बता दो। अगर वो ये बोलोगे तो अपना स्कॉर्पियो एन और इसकी दोनों की डिलीवरी ले लेंगे, नहीं तो एक लग्जरी बुक करेंगे और फिर उसको लेंगे, बताना जरूर कमेंट्स में। लेकिन चलिए जी बैक टू होम, और ये सरप्राइज देंगे घर वालों को कि हम क्या करते आए हैं। डांट भी खानी पड़ती है ना थोड़ी थोड़ी। और माता श्री पिता श्री टीवी देख रहे हो, बढ़िया मतलब बढ़िया मौज ले रहे हो, बैठे हो आराम से दोनों कपल एक साथ और टीवी देख रहे हो। डिनर नाइट लाइट वाइट बंद करवे, लाइट वाइट बंद करके कैंडल वैंडल जरा। शर्मा आ गई मम्मी, शर्मा आ गई। अच्छा देखो प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने आज, प्रॉपर्टी खरीदी है, कागज है उसके, पापा को यही चाहते थे ना मैं प्रॉपर्टी खरीदू, मैंने आज एक ले ली कार खरीद के लाया था। अरे प्रॉपर्टी है उसके लिए खुश तो हो, गाड़ी एक और आ रही है। नहीं जरूरी नहीं है लेना ले, लेकिन बुक करा दे, अब 3 महीने में देखेंगे आती है क्या होता है कैसी है क्या क्या सरप्राइज है। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में एक चीज बताना कि कलर कौन सा बुक करा होगा, कलर का जरूर बताना। और अब देखो टाइम कितना हो गया, 10 बज गए, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, हम जाकर एडिट करके रेस्ट करेंगे सोएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट से कलर जरूर बताना, मिलता है नई वीडियो में कुछ नया लेकर, और हम इन कपल को एंजॉय करने देते हैं। बाय टाटा सी यू। ये कल पता चल जाएगी, व्लॉग देख लेना कल सुबह 11 बजे पता चल जाएगी। अब यहाँ फोन की लाइट जली तो आके बंद हुई इसकी, का टाइम आपको दिखाऊं तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया यहाँ, सो जाओ, इसीलिए कहते शादी नहीं करनी। अब रात को जब जब ये जागेगा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा।